दोस्तों, बिंदु ब्लेज ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको अरहर का खेत दिखाने आई हूँ, खेत दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये अरहर का पेड़ है दोस्तों। अरहर का पेड़ 6 से 7 फुट का होता है दोस्तों। वैसे 5 फुट का ही होता है, लेकिन देखिए आजकल खाद इतनी लोग डाल देते हैं कि ये 6 से 7 फुट की होती है। और ये देखिए, इसमें शाखा पर शाखा होता है। ये इसका फूल माघ के महीने में आता है दोस्तों, यानी बसंत ऋतु में आता है। और ये लंबी अवधि की खेती होती है अरहर की दोस्तों, 1 साल की होती है। 1 साल का क्या, इसकी बुआई जून लास्ट वीक से जुलाई फर्स्ट वीक तक इसका बीज बो देते हैं दोस्तों। और ये अभी देखिए, इसमें माघ का महीना चल रहा है, माघ मतलब यानी फरवरी दोस्तों। इसमें देखिए पीले पीले फूल आए हैं और पतली पतली ये फलियाँ भी बन रही हैं दोस्तों इसमें। तो ये अप्रैल लास्ट तक तैयार हो जाएगा, इसकी फली बन जाएगी पूरी तरह से और पक जाएगा, और ये अप्रैल लास्ट तक तैयार हो जाएगा। अब आप दोस्तों सोचेंगे अरहर क्या होता है। अरहर की दाल बनती है, जो किसी का घर ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ एक टाइम अरहर की दाल नहीं बनती होगी। इसी पेड़ से फली लगती है, फली पक जाती है, उसको पीटते हैं या थ्रेसर में दवाई करते हैं, फिर उसका बीज निकाल के अरहर बनाते हैं, अरहर की दाल बनाते हैं। और हम अब आपको बताने जा रहे हैं अरहर की दाल में क्या क्या पाया जाता है और इसको खाने से क्या क्या फायदे हैं दोस्तों। तो देखिए आप, इसको अरहर का पेड़ देखिए दोस्तों, और इसमें अरहर की दाल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन जैसे गुण पाए जाते हैं दोस्तों। अक्सर घर के बड़े हों या डॉक्टर रोजाना दाल खाने या की सलाह देते हैं। असल में दाल में प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अरहर के कोमल पत्तों को चबाने से दोस्तों मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं तथा मसूड़ों की सूजन में भी लाभ होता है। इसके पत्ते चबाने या खाने से पीलिया रोग भी ठीक हो सकता है दोस्तों। तो देखिए, हम आपको अरहर के बारे में बताएं कि अरहर क्या होता है और अरहर की दाल क्या होती है। हर घर में अरहर की दाल बनती है दोस्तों। और देखिए, इसकी कोमल पत्ती, जैसे कि हमने बताया, इसकी कोमल पत्ती एक तोड़ो और जिसके मुंह में छाले हों या मसूड़े में सूजन हो, इसकी पत्ती चबाने से दोस्तों अरहर की पत्ती चबाने से ठीक हो जाता है। और इसकी पत्ती यूज करने से पीलिया रोग भी ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये नहीं कि पीलिया आपको पूरी तरह से शरीर में पनक गई है तब आप इसकी पत्ती खाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन आज मैं आपको ये बता रही हूँ अरहर क्या होता है। मैंने आपको पेड़ भी दिखाया दोस्तों, अरहर का फूल भी दिखाया दोस्तों। ये देखिए, ये इसमें फलियाँ भी बहुत लगी हुई हैं पतली पतली। अभी पूरी तरह, ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से इसकी फली अभी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फलियाँ लग रही हैं दोस्तों। तो हम आपको अरहर के बारे में बताए दोस्तों, और आप भी एक टाइम रोज अरहर की दाल खाइए। अरहर छोटे छोटे ढाबे हों या रेस्टोरेंट हो या होटल हो या घर हो या शादी विवाह हो, अरहर की दाल अक्सर बनती ही है दोस्तों, और लोगों को पसंद भी है। और अरहर की दाल बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। तो हम आपको बताएं अरहर की दाल के बारे में, अरहर के पेड़ के बारे में, अरहर की पत्ती के बारे में, और अरहर की मतलब दाल, अरहर का पेड़ कितने दिन में होता है दोस्तों। ये 10 महीने लग जाता है, लंबी अवधि की खेती है। ये खरीफ
खरीफ के फसल में बोया जाता है दोस्तों, और रबी के फसल में काटा जाता है दोस्तों अरहर। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाने को दोस्तों। धन्यवाद।